हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4.12। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन एक्सरसाइज 4.11 फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.11 के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर को। क्या आंसर मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर, जो भी आपका आंसर है उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4.11, इसमें ये सिचुएशन दी हुई है, आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। और इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो पूरा डेटा एज इट इज मैं कॉपी करके इस पर राइट कर रही हूं। ये देखिए, ये सारा डेटा दिया हुआ है हमें। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, एक कॉन्सेप्ट कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है। मतलब द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वाली जो मैंने इक्वेशन राइट की हुई है इस इक्वेशन को अच्छे से ध्यान कर लेना है आपने। तो इसी इक्वेशन से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये आप थ्योरी में भी कर चुके होंगे, साइक्लोट्रॉन आपने किया होगा उसमें भी आपने निकाला होगा, या एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पर आपने कैलकुलेट किया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, ये इक्वेशन मैंने इक्वल की, उसके बाद आप देख रहे हो एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी होगा। V मैंने सेपरेट कर लिया, ये आ गया क्यू बी आर अपॉन एम। वी हमें पता है क्या होता है, आर ओमेगा। आर क्या होता है, रेडियस, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आर से आर राइट और लेफ्ट में दोनों जगह पर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आ गया क्यू बी अपॉन टू क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया टू पाई न्यू से, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं टू पाई अपॉन टी से भी, अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए हो। हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी चाहिए इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया किससे, टू पाई न्यू से, और क्यू बी अपॉन एम के इक्वल हो गया, न्यू आ गया क्यू बी अपॉन टू पाई एम। या तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो, नहीं याद हो और मैं तो ये कहती हूं आप डायरेक्टली लर्न मत कीजिए, आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिए और इससे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ये फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस इक्वेशन, तो आप इससे डिराइव करके देखिए बार बार, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कभी मिस्टेक भी नहीं होगी कि कौन ऊपर आता है या कौन नीचे आता है। कई बार हम मिस्टेक से ये कर देते हैं, टाइम पीरियड होता है टू पाई एम अपॉन क्यू बी और फ्रीक्वेंसी होता है क्यू बी अपॉन टू पाई एम, तो कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेटर है कि हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करें, तो आप मेथड देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हुआ, क्यू बी अपॉन टू पाई एम। क्यू हमें पता है चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है, बी हमें पता है टू पाई कॉन्स्टेंट है, और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहां से देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं आया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फाइनल फॉर्मूले में वी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूले में पुट कर दिया सारी वैल्यूज को, ये आ गया न्यू इज इक्वल टू 18.19 इंटू 10^6 आया था, 10^6 को मैंने रिप्लेस कर दिया मेगा में, तो ये बन गया न्यू इज इक्वल टू 18 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और बाकी पार्ट का आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसमें से रीड आउट कीजिए। और ये पूरा डिराइव करने की मतलब आपके सॉल्यूशन में इसके मार्क्स नहीं है,
आपका सिर्फ ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, बट आप इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार ताकि इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकें। आई होप समझ आ गया होगा आपको, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।